अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इंशाल्लाह अपनी पार्ट टू की फिज़िक्स की बुक शुरू कर रहे हैं। फ़र्स्ट लेक्चर हम डिलीवर करूँगी आपको और फर्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसमें हम स्टडी करेंगे चार्जेस को। चार्जेस जो है एट रेस्ट पे भी होते हैं, इन मोशन भी। जब चार्ज को हम रेस्ट पे स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड व्हेन वी स्टडी द चार्जेस इन मोशन देन वी स्टडी द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इलेक्ट्रिकल करंट। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज़ द कूलम्स लॉ, फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 12। कूलम, चार्ल्स कूलम अ फ्रेंच साइंटिस्ट इन 1874 परफॉर्म्ड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल पॉइंट चार्जेस। कूलम जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो मेजर की टू चार्जेस के दरमियान। अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, चार्जेस की प्रोडक्ट के दरमियान। और चार्जेस इसमें हम किसको कंसीडर करेंगे, क्यू वन एंड क्यू टू। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है। नाउ वी कैलकुलेट इट्स फार्मूला, मैथमेटिकल फॉर्म या फार्मूला। वी कंसीडर द टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर शोन इन द क्यू वन एंड क्यू टू। एंड आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एफ वन टू एंड एफ टू वन इज़ द फोर्सेज। एफ वन टू फोर्स विच अप्लाई क्यू वन इंटू क्यू टू एंड एफ टू वन फोर्स विच अप्लाई टू क्यू टू इंटू क्यू वन। नाउ वी रीड इट्स फार्मूला। नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू एंड एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन ओवर आर स्क्वायर। वी कंबाइन दीज टू इक्वेशंस, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन एंड क्यू टू आर टू। नाउ वी रिमूव इट्स प्रोपोर्शनैलिटी एंड वी पुट द कॉन्स्टेंट इन द प्लेस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के इज़ द कॉन्स्टेंट एंड के डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। चार्जेस के दरमियान दो तरह के मीडियम होते हैं, एक हम फ्री स्पेस लेते हैं, एक हम कोई इसमें डायलैक्टिकल जो है वो पुट करते हैं। नाउ वी रीड द फ्री स्पेस बिटवीन द टू चार्जेस। सेकंड, सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच एफ क्यू एंड आर आर मेजर्ड, एफ इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स, क्यू एंड क्यू टू चार्जेस आर मेजर्ड इन कूलम्स एंड आर इज़ मेजर्ड इन डिस्टेंस। वी कैलकुलेट द value of the constant k is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. Now we calculate the value of k where epsilon naught is an electrical constant and it's or known as permittivity of free space. ये epsilon naught जो है इसका second name क्या है, permittivity of free space। और इसकी इन SI units value calculate जो हम epsilon naught की हमने की है वो है 8.85 × 10⁻¹2 कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको आप लोगों ने ऐसे ही लर्न करना है। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट के की करेंगे, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। पाई की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की आप ये वाली लगाएंगे, हमारे पास के जो कैलकुलेटेड आएगा वो आएगा 9 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। अब हमारा जो फार्मूला ऊपर से हमने इक्वेशन नंबर 3 में लिखा था वो एक्चुअली क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस। आज का लेक्चर इतना ही है, इसको आप स्टडी कीजिए, इसको समझे, इसको देखें, इसके बाद हम कल इंशाल्लाह अगला इसे नेक्स्ट जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।